बलिया के घर में सोई किशोरी को चचेरे चाचा ने बनाया हवस का शिकार, चाची ने दर्ज कराया मुकदमा। जी हां, बलिया जनपद के बाजू कोतवाली क्षेत्र के गांव में किशोरी के साथ चचेरे चाचा के द्वारा जबरदस्ती मुंह में कपड़ा ठूसकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी की चाची की तरी पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित किशोरी की चाची ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि मेरी भतीजी को 23-24 अगस्त की रात्र में चचेरे चाचा ने छत के सहारे घर में घुस गया और अपने कमरे में 5 अन्य छोटे भाई बहनों के साथ सो रही किशोरी के साथ जबरदस्ती मुंह में कपड़ा ठूस कर दुष्कर्म किया। किशोरी के माता पिता काम के सिलसिले में गुजरात के राजकोट में रहते हैं। घर पर अकेली किशोरी के पाकर चचेरे चाचा के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म के बाद किशोरी बेहोश हो गई थी। होश आने के बाद किशोरी ने अपने साथ हुई वारदात को अपनी चाची को बताया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर ने मौके का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ ही पीड़िता के घर वालों से जानकारी प्राप्त किए। मौके से निरीक्षण के बाद कोतवाली पहुंचे एसपी बलिया ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, थाना बांसडी जनपद बलिया में एक 16 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला पुलिस को थाने पर रिपोर्ट किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा और पुलिस की टीम के द्वारा, फॉरेंसिक टीम के द्वारा कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो इसमें मेन अक्यूज है, जो पीड़िता का चाचा ही है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।